हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्टफ ब्लैक पॉम्फ्रेट। इसके लिए हमने 900 ग्राम ब्लैक पॉम्फ्रेट लिया है। इस पर हमने ऐसे 3 कट्स लगाए हैं दोनों तरफ से, और ये एक डीप पॉकेट बनाया है स्टफिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम मैरिनेशन के लिए पेस्ट बनाएंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे फिश पर लगाएंगे। पहले हम कट्स को भरेंगे। मसाला पेस्ट हम दोनों साइड लगाएंगे। पहले कट्स भरेंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग के लिए मसाला पेस्ट बनाएंगे। तो अब हम इस ग्राइंडिंग जार में 1/2 बाउल हरा धनिया डालेंगे, 5-6 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच कटा हुआ अदरक डालेंगे, 10-15 लहसुन की कलियां डालेंगे, 1/2 बाउल कोकोनट पीसेस ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ, 1 स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 8-10 काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून टैमरिंड पल्प ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए मसाला पेस्ट रेडी हो चुका है। देखिए फाइन पेस्ट बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो देखिए हमने 1 बाउल चावल का आटा लिया है, उसमें हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और फ्राइंग पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। तो फ्राइंग पैन गरम हो चुका है। अब हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब तक ऑयल गरम होता है तब तक हम फिश की स्टफिंग करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से स्टफिंग करेंगे। अब हम इसे चावल के आटे से कोट करेंगे। अब कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। अब फिर से 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा स्टफ ब्लैक पॉम्फ्रेट रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे।